दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोएक्सेल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह सैमसंग के गैलेक्सी S21 FE का ऑफर वाला वीडियो बनाया था, नहीं देखा जाके देखिए कैसे आप 30,000 के नीचे स्मार्टफोन को खरीद सकते हो और किसके लिए स्मार्टफोन है किसके लिए नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्मार्टफोन की जो सिर्फ 13,500 रुपए में आपको एक OIS वाला सेल्फी कैमरा, वो भी 60 मेगापिक्सल का देता है, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, 45 वाट का फास्ट चार्जर है, इसके साथ साथ 90 हर्ट्ज का एमोलेड सिर्फ 13,500 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें भी मिलती हैं जो छोटी मोटी होती हैं। अब क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, कौन सा स्मार्टफोन है, किस प्राइस पे है, किस प्राइस पे मिलेगा, सारी चीजों को डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। आपको मालूम है फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा है, बिग सेविंग डे सेल, एंड इस सेल में ये स्मार्टफोन आया हुआ है इन्फिनिक्स की तरफ से। बहुत सारे लोग UI के ऊपर बात करते हैं तो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद 2 साल से यूज कर रहा हूं इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन मेरे लिए, एंड मैं नहीं कहूंगा कि MIUI से खराब है। नाम सिर्फ अभी तो बहुत इंप्रूवमेंट की है वैसे भी XOS ने, लेकिन अच्छा पहली बात, ये पेड वीडियो नहीं है भाई। मैंने सैमसंग के ऊपर वीडियो बनाया, सबके ऊपर बना रहा हूं मैं जो ऑफर्स हैं, ये कहीं से भी पेड वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूं। अगर आपका बजट 13,500 के आसपास का है, आप अगर एक स्मार्टफोन यूज करना चाहते हो अच्छा एंड 5G के पीछे भी नहीं भाग रहे हो और अच्छे फीचर्स वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इसकी तरफ देख सकते हो एक बार। बाकी आपके ऊपर है, क्या प्रोज है, क्या कौन से है, वो सारी चीजें बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स के 020 की। ये स्मार्टफोन को बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। 16,000 पे लॉन्च हुआ था, 8GB 128GB। अभी के टाइम इसके ऊपर अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो 2,500 रुपए का ऑफ है EMI पे अगर लेते हो तो। अब 2,500 ऑफ के साथ ये मिल जाता है आपको 13,500 रुपए में। 13,500 में मिलता क्या क्या चीजें हैं आपको, सबसे पहले 6.7 इंच का इसमें आपको एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है Full HD+ का, ये चीज याद रखना। वाटर ड्रॉप नॉच है, ये एक कौन है और एक और कौन है, दो चीजें मैं बताऊंगा। बाकी मैं UI को उतना बड़ा कौन अभी के टाइम पे नहीं मानता हूं जिस प्राइस पे मिल रहा है और जो चीजें आपको मिलती है इसमें। तो वाटर ड्रॉप नॉच है भाई, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा है एंड देखने में अच्छा लगता है, पसंद आएगा डिजाइन जो है ना, वो लोग आपको पसंद आएगा इसका, अच्छी चीज है। इसके बाद चिपसेट की पिक्चर लोगे तो MediaTek का G99 का चिपसेट है, 13,500 में नया चिपसेट है, 6 nm बेस्ड है, काफी अच्छा है, 4G है, ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम लग सकता है, अदरवाइज चिपसेट सही है। तो एक वाटर ड्रॉप नॉच, एक ये 4G होना इसका हो सकता है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि 13,500 में इन सब स्पेसिफिकेशन के साथ 5G भी नहीं मिलता, 4G ही मिलता है। तो 4G स्मार्टफोन अगर आपको चल जाएगा एंड वाटर ड्रॉप नॉच चल जाएगा तो 13,500 में बेस्ट डील है। 4G चिपसेट है, स्कोर की बात करोगे 3 लाख के ऊपर चला जाता है, XOS के ऊपर आता है, XOS 12 जो कि एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है, सही है, थोड़े से ब्लूटूथ है लेकिन आप डिलीट कर पाओगे, चलिए परफॉर्मेंस का सेगमेंट सही है मेरे हिसाब से। देन कैमरा की बात करोगे तो रियर साइड पे 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, 108+8+2 का, फ्रंट में 60 मेगापिक्सल की सेल्फी है वो भी OIS के साथ, रियर फ्रंट दोनों से क्वाड HD वाली वीडियोस निकाल सकते हो 1440p वाले 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, अच्छी चीज है। कैमरास भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं कहूंगा, उस प्राइस के हिसाब से सही है। देन इसके बाद 4,500 mAh की बैटरी है, 45 वाट का चार्जर है, Type-C का पोर्ट है, तो बैटरी चार्जर भी सही है। इन्फिनिक्स का बैटरी बैकअप वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से, छोटी बैटरी भी अच्छी खासी चल जाती है। देन सेंसर्स की बात करोगे तो सब मिल जाता है, 3.5 mm जैक है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, स्टीरियो स्पीकर्स है, एक्सेलेरोमीटर है, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, उसके साथ 8GB 128GB मिलता है वो भी 16,000 में, लेकिन कार्ड लगाओगे SBI का क्रेडिट कार्ड, EMI पे लोगे तो सिर्फ आपको ये 13,500 रुपए मिल जाएगा, उस प्राइस के हिसाब से सही है। बाकी आप देखना चाहते हो देख सकते हो। अब किसके लिए, दो कॉन्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे हिसाब से कौन से हैं। सबसे पहला वाटर ड्रॉप नॉच, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा एंड कुछ लोगों को इसका 4G होना शायद ना पसंद आए इस प्राइस पे 13,500 में, क्योंकि अब तो सबको 10,000 में ही सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज के साथ 5G चिपसेट चाहिए रहता है। तो एक चीज मैं बता दूं कि ये एक चीज, दो चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो सारी प्रोज हैं इसके, ये इसके ऊपर काफी भारी पड़ते हैं मेरे हिसाब से, वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस है 13,500 के प्राइस पे। बाकी आप देख सकते हो अपने हिसाब से। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक मैंने शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। अभी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक्ट में उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय।